हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टू टू बाय नावी। और देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपने सीडीएस 2 2023 की सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। सी, ये है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन, आपका ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही कॉमन है। एंड चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। ठीक है, एक फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ मतलब क्या? झंडा। ठीक है, झंडा कहाँ है? किसी टावर के ऊपर है। टावर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, राइट? फ्लैग स्टाफ एंड टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विद द बेस ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी अल्फा। ये जो ऊपर है फ्लैग स्टाफ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ये एंगल कितना है? अल्फा, टावर के बेस से। ठीक है, ये टावर है, ये फ्लैग स्टाफ है। एडवांसिंग डिस्टेंस डी टूवर्ड्स द टावर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस पॉइंट से हम टावर की तरफ जाते हैं, कितना डिस्टेंस डी चले जाते हैं, सपोज छोटा डी, डिस्टेंस ये देखिए एंगल अल्फा है, एंड डिस्टेंस डी टूवर्ड्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इफ इज ऑब्जर्व टू बी बीटा। अब ये फ्लैग स्टाफ के ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? ये हो गया अब बीटा, कुछ देर बाद, ठीक है। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी गामा। ये टावर के ऊपर का कितना है? ये है गामा, ओके। ये टावर के ऊपर का हो गया ये पार्ट, इतना हो गया गामा। लेट एच बी द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। फ्लैग स्टाफ का आप ये ध्यान दीजिए, कैपिटल एच बोल रहा है ये पूरा, टॉप ऑफ द ये जो है फ्लैग स्टाफ आपका, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ओके, ये है कैपिटल एच, एंड द एच बी द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है? स्मॉल एच। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें देखिए, इन सब ऑप्शन में क्या है, बेसिकली एच और छोटा एच और अल्फा और बीटा, गामा और बीटा के बारे में बात कर रहा है, एक जगह अल्फा भी है। खैर, तो ये इस क्वेश्चन पे करते क्या है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। चलिए, ये बेस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ना, ये बेस मान लेते हैं बी, कैपिटल बी, ठीक है, बेस मान लेते हैं। तो हमेशा देखिए सेम क्या है, क्या चीज़ सेम आ रही है। देखिए, हमें गामा और बीटा के बीच में रिलेशन तो मिल सकता है आराम से, क्या है देखिए, हाँ गामा और बीटा के बीच में मिल रहा है आराम से। क्या क्या देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए कॉमन क्या चीज़ है, ये बी कॉमन है ना, तो डिस्टेंस जो बी है, अगर देखोगे आप टैन बीटा कितना है, टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस, नीचे बेस क्या है, बी, ठीक है। दूसरा चीज, ऐसे ही आप देखोगे टैन गामा भी क्या आता है, टैन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच, छोटा एच अपॉन बेस, दोबारा बी, यहाँ पे दोनों में देखिए बी भी कॉमन है, सिर्फ बी के टर्म्स में लिख दें इसे, बी इज इक्वल टू एच अपॉन टैन बीटा इज इक्वल टू छोटा एच अपॉन टैन गामा, है कि नहीं, ठीक है। तो यही रिलेशन देखिए, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इसको ऊपर भेज दें, इसको ऊपर भेज दें, एच टैन गामा इज इक्वल टू स्मॉल एच टैन बीटा, इसको उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, एच टैन गामा माइनस स्मॉल एच टैन गामा माइनस स्मॉल एच टैन बीटा इज इक्वल टू जीरो। और ये है हमारा रिलेशन नंबर, ये ए वाला पार्ट, राइट, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ओके। तो खैर, चलिए अब हम इसमें देखते हैं अपना अगला, इसमें हम अगला पार्ट देखते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें क्या कर रहा है, डी, छोटा डी। अब देखिए छोटा डी क्या है, ये डी ए वाला है। अब जैसे ही डी आया हमारे सीन में, आप देखेंगे कि डी किससे रिलेट हो रहा है, डी में आ रहा है ये अल्फा वाला पार्ट, तो इसको एक बार लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, टैन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन डी प्लस बी, है ना, इसका मतलब डी प्लस बी इज इक्वल टू एच अपॉन टैन अल्फा, तो D क्या हो जाएगा, B उस तरफ जाएगा, ठीक है,
तो आपका डी हो गया एच अपॉन टैन अल्फा माइनस बी। ठीक, इतना तो है। अब बी की आपको पता है यहाँ पे ऊपर निकालती हमने देखे दो दो वैल्यूज क्या एच अपॉन टैन बीटा भी और एच अपॉन टैन गामा भी है। अब देख लीजिए डी किस टर्म्स में बोल रहा है, टैन बीटा टैन गामा एच अपॉन टैन बीटा। देखिए यहाँ पे सारे कैपिटल एच है तो हम कैपिटल एच वाला लिखेंगे बी का फॉर्मूला। बी क्या था कैपिटल एच के टर्म्स में, ये था देखिए ये यहाँ एच अपॉन टैन बीटा है ना। तो डी इज इक्वल टू एच अपॉन टैन अल्फा माइनस एच अपॉन टैन बीटा। अब टैन बीटा को कैसे लिख सकते हैं, एच दोनों में कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन टैन अल्फा को क्या लिख सकते हैं कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। उम्मीद करता हूँ ये हमारा एक ऑप्शन होगा, ये कॉट अल्फा इज टू टैन अल्फा माइनस टैन कॉट बीटा। ठीक है, तो हमारा 32 का सी पार्ट ये देखिए, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है रिलेटिवली ईजी था, बट इसमें ध्यान क्या देना है थे बेसिक सी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का तो नॉर्मली बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और जिन बच्चों ने अपने टेंथ वेंथ में मुश्किल सोच के छोड़ दिया होगा उनको अब प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसमें छोटे कुछ कुछ कंसेप्ट हैं हर एक में। इस बार का जो पेपर था ये, और अब एक ट्रेंड सेट हो गया तो आगे भी ऐसे ही पेपर आएंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो इनको समझिए और अपने बीच बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं आपको कंसेप्ट भी समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दिए, और इन केस अगर आप देहरादून में हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन कोचिंग आना चाहते हैं तो आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज करके हम आपको ट्रेन करेंगे ताकि आप ये अपना CDS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। राइट, आप हमसे हमारी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली बार। टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।